पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः बधाई दूंगा इस घोषणा पत्र पर कि उन्होंने एक महापरिवर्तन की बात की है। जब देश के संविधान को बाबा साहब लिख रहे थे तो आर्टिकल 340 और 341 में बाबा साहब ने 340 में ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और 341 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण की व्यवस्था की थी और उसी इन आर्टिकल 340 और 41 के माध्यम से इस देश में जो महापरिवर्तन आया था। समाजवादी पार्टी का आज का घोषणा पत्र मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाला घोषणा पत्र है और मैं निश्चित ये कह सकता हूं कि जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र में खुले तहे दिल से शुक्रगुजार हूं समाजवादी पार्टी वालों का, जो ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, माननीय काशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है। एक मिनट, मेरा बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है, कुमारी मायावती और सपनों को साकार करने का साकार। मेरा सवाल यह, संविधान बचाने के लिए, सत्ता की सुख भोगने के लिए नहीं, लेकिन महापरिवर्तन के लिए, सब कुछ करने के लिए आपने गठबंधन किया, आपको मुबारक हो। गठबंधन का मतलब यह होगा ना कि कम से कम आपकी एक बात सब तक क्लियर जाए कि हाँ ये गठबंधन चाहता है। ये क्यों हो रहा है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कहें कि हम संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, गठबंधन करेंगे, और जब आप घोषणा पत्र लाएंगे तो कहेंगे हमारी नीतियां ये हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। दोनों की नीतियां में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है अतुल जी, बिल्कुल स्पष्ट है। हम दलितों की, गरीबों की, माइनोरिटीज की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी उन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ रही है। इस देश में मनुवादी ताकतों से लड़ने के लिए हम एक हैं और ये महागठबंधन जो है उत्तर प्रदेश से। मनुवादी ताकतें कौन कौन सी हैं? कांग्रेस, मनुवादी ताकतें, ये जो बीजेपी के लोग बैठे हैं, ये जो पूंजीपतियों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। कांग्रेस, कांग्रेस के लिए भी तो बोला है अखिलेश ने, जिनके आप शुक्र गुजार हो रहे हैं। जी मैं बता तो रहा हूं, बीजेपी का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब बीजेपी, कांग्रेस मनुवादी दोनों हो गए ना फिर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सिक्के के एक इधर और एक इधर। अच्छा। ये दोनों पार्टियां गरीबों के वोट लेकर के और सामंतवादी ताकतों के गोद में जाकर के जो बैठ जाती है पूंजीपति की गोद में, इसी व्यवस्था से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि आपका घोषणा पत्र भले अलग हो जाए लेकिन नीतियां, घोषणाएं आपकी एक रहेंगी, उस पर अमल एक होगा और दोनों ही जो मनुवादी ताकतें हैं उनको आप उखाड़ फेंकेंगे। चौधरी चरण सिंह साहब के अनुयायी, शलमरी भैया जी के अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायी एक हैं, उनकी नीतियां एक हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है। ऐसा है ना कि अभी मैं सुन रहा था शिवपाल यादव को, वो नई दिशा देने की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी चौधरी साहब के उस या लोहिया साहब के उस विचारधारा से भटक गई है, इसलिए मैं अब नई दिशा दूंगा। तो अब कौन कौन नई दिशा देगा और कितना संविधान और लोकतंत्र बचाएगा है तो भविष्य बताएगा, बहुत जल्दी परिणाम आ जाएंगे। शलमणि त्रिपाठी, सवाल इस बात का है कि गठबंधन करके और गठबंधन को सबसे मजबूत कह 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 बार बार ये कहा जा रहा कि हम उखाड़ फेंकेंगे सत्ता को, उस पार्टी को और मनुवादी ताकतों को, लेकिन ऐलान अलग अलग क्यों हो रहा है? देखिए, अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी चीजें ऐसी नहीं है जो हम सरकार आने पर करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बसपा के भी प्रतिनिधि बैठे हैं और याद होगा इस पूरे देश को कि गठबंधन सपा बसपा का उत्तर प्रदेश में भी हुआ था और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था ये भी याद होगा। तो मुझे लगता है कि बसपा वालों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश ने एक बार तो देखा है कि कैसे गेस्ट हाउस कांड हुआ था। अब मनुवादी कौन है, तो धर्मवीर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों ने बहन मायावती जी को पीटा, जिन लोगों ने गेस्ट हाउस में कैद किया, जो लोग गैस सिलेंडर में आग लगाकर उनकी हत्या करने जा रहे थे, उनको मनुवादी ये मानते कि नहीं मानते और ये गठबंधन में घोषणा पत्र का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, ये तो देश और प्रदेश देख रहा है कि किस तरह गठबंधन बना था, उसके बाद क्या क्या हुआ, किस तरह बाबा साहब को अपमानित करने का काम आजम खान ने किया। हर सभा में आजम खान बैठते थे, अखिलेश जी वहां मुख्य अतिथि होते थे और आजम खान खुलेआम चिल्लाते थे कि बाबा साहब भूमाफिया थे और बकायदे तालियां बजवाई जाती थी, समाजवादी पार्टी के लोग ताली बजाते थे, अखिलेश जी ताली बजाते थे। तो धर्मवीर साहब से पूछिए कि बाबा साहब के बारे में वो अखिलेश जी के इस विचार से, आजम खान साहब के विचार से सहमत है कि नहीं सहमत है। बाकी देश और प्रदेश ने तो अपना मन बना लिया है, समाजवादी पार्टी की सरकार में इस देश ने देखा है, इस प्रदेश ने देखा है,
सचिन और गौरव नाम के दो भाइयों की हत्या सिर्फ इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कर दी गई क्योंकि उनकी बहन के साथ छेड़खानी हो रही थी और जब वो अपनी बहन को बचाने पहुंचे तो उनकी हत्या कर दी गई पीट पीट कर, और इसके नतीजे में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। जब दंगे हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक तरफ बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे और दूसरी तरफ पूरा परिवार सैफई में बैठकर नृत्य का आनंद ले रहा था। तो उसको भी पूछिए धर्मवीर साहब से कि ये किसके साथ है, ये क्या इस तरह के लोगों के साथ है कि नहीं है। बाकी देश और प्रदेश ने अपना मन बना लिया है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी अकेले के दम पर 39 सीटें इस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीत कराए थे। अकेले के दम पर मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा, 39 सीटें वो जीत कराए थे। आज कौन सी मजबूरी है कि अखिलेश यादव की 37 सीटों पर समझौता करने को मजबूर? नहीं नहीं, इसका जवाब तो मैं ही दे देता हूँ शलभ भाई, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। आज मजबूरी ये है ना कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, किसी को सत्ता का सुख नहीं भोगना है, ना आपको ना इनको, सब संविधान बचाने लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो जनता बखूबी समझती है। रफत फातिमा, सवाल इस बात का है कि बीजेपी भी मनुवादी है, कांग्रेस भी मनुवादी है। अभी तक बहन मायावती ये बात कह रही थी, आज खुद उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं और साथ में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी कहा कि एक ही है बीजेपी और कांग्रेस, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये महापरिवर्तन और तमाम तरह की बातें, लेकिन घोषणाएं अलग अलग, समझ में नहीं आ रहा कि गठबंधन है या नहीं है, या आप लोगों का नेतृत्व हट गया इसलिए कमजोर दिख रहा है या बहुत मजबूत हो गया। देखिए अतुल जी, हम बहन मायावती जी ने क्या कहा है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, वो भेदभाव और जातिवाद में विश्वास नहीं रखती है। और फिलहाल कांग्रेस का जो एजेंडा है वो अपने एजेंडे पे कायम है, जो भी उसने जनता से वादे किए हैं, जो भी वो हर वर्ग को साथ लेके चल रही है और जनता का भरोसा जीतना चाह रही है। अब इन टिप्पणियों पे अगर हम बहस करने लग जाएंगे या बहुत सारे मुद्दे उठाने लग जाएंगे तो हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, तो हम इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहते, हम अपने एजेंडे पे कायम रहना चाहते हैं। आज हम जनता के बीच जो भी उनके भरोसे को जीतना है हमें, जनता जो 5 साल से लगातार ठगी गई है, जिस तरीके से छलावा हुआ उसके साथ, जिस तरीके विकास के दावे करे गए थे लेकिन आज विकास के दावे कहीं दिख नहीं रहे, जमीनी हकीकत उसके विपरीत है। आज महिलाओं की स्थिति, अभी हाल ही में मथुरा में, कानपुर में जो महिला के साथ हुआ है वो सबको पता है कि महिला पुलिस के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, कानपुर में रेप हुआ, जो लड़की वहां रिपोर्ट लिखाने गई है उसका भी रेप हुआ, गुंडे इतने बुलंद हो गए। फातिमा, रफत फातिमा, ये सारी चीजें बिल्कुल है और आप इस मुद्दे को उठाएंगी, आप भटकना नहीं चाहती है। मेरा सवाल ये है ना कि आप भटकना चाहती नहीं है और जो दूसरा दल है वो कह रहा है कि आप भी बीजेपी की तरफ भटका रहे, यही आरोप धर्मवीर चौधरी का है और यही आरोप समाजवादी पार्टी का है। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि आप भी मुद्दे से भटका रही हैं और भटकाते चली आई हैं, इसका जवाब जनता को कैसे देंगी? जनता को हम उसके जवाब जो है उसके मूल मुद्दों पे देंगे, हम जनता के मुद्दों पे ही सवाल करते रहेंगे, हम उसकी गरीबी पे, किसानों पर, बेरोजगारी पर ही सवाल करते रहेंगे। आज बेसिक इश्यूज बिल्कुल दब के रह गए इन मुद्दों के चक्कर में, हम उसी पे मुद्दों पे बात करते रहेंगे। ठीक है, यानी आपको कोई मनुवादी कहता रहे आप मुद्दों की ही बात करेंगे और उसका साथ जनता देगी आपके साथ आकर। राजेश माहेश्वरी साहब, सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि हम पत्रकारों ने वो दौर देखा जब गठबंधन हुआ, ऐलान हुआ, वहां की बॉडी लैंग्वेज, वहां का जो भाव भंगिमा थी वो हमने एहसास किया, हमने अनुभव किया जो विजुअल मीडिया में दिखाई देता है। लेकिन आज जिस तरीके से अकेला ऐलान हो रहा, घोषणाएं हो रही और बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं शुक्रगुजार हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो एक बार भी नहीं कहा गया कि हाँ हमारी घोषणाएं उनकी घोषणाएं भी हैं या हम साझा घोषणा कर रहे हैं। दिक्कत कहां है? क्या बहन जी ने अभी तक तैयारी नहीं की है घोषणाओं की, या फिर उनकी अपनी अलग घोषणाएं होंगी? अतुल जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहन जी अपने निर्णय स्वयं लेती हैं और वो, मैं नहीं समझता हूँ कि वो अखिलेश जी को बहुत विश्वास में लेके कर रही है। गठबंधन किस दिन समाप्त हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहन जी का अपना अलग एजेंडा है, अखिलेश जी कितना झुक पाएंगे अब ये उन्हें देखना है। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि बहुत विश्वास में लेकर कर रही है, तो विश्वास में लेकर उनको कर रही है, लेकिन क्या उन पर खुद भी विश्वास करती हैं या उतना ही विश्वास अखिलेश भी उन पर कर सकते हैं?
नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि वो बहुत विश्वास में लेके नहीं कर रही हैं। और अखिलेश जी कितना झुक पाएंगे ये उनको देखना है। नेताजी कई बार ये बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि ये गठबंधन करके अखिलेश ने गलती की है, क्योंकि बहन जी किसी की सुनती नहीं है, उनका अपना एजेंडा है, वो अपना एजेंडा ही चलाएंगी। वो समझौता और आपस में सौहार्द, इस पर बहुत विश्वास बहन जी नहीं करती है। बहन जी का अपना एजेंडा, ठीक है, यानी वो अपने एजेंडे पर ही रहती है। और अखिलेश कम से कम अभी इतने परिपक्व नहीं है शायद जो उनको भांप जाए, भले उसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने बार बार भांपने के बाद, महसूस करने के बाद ये कह दिया, क्योंकि अनुभव उनका उनसे कहीं ज्यादा है। धर्मवीर चौधरी, सवाल यही है, आप कह रहे हैं कि हम शुक्रगुजार हैं तो क्यों नहीं साथ में है? और एजेंडे की अगर बात की जाए, ये बात निकल कर आ रही है कि हाँ बहन जी का अपना ही एजेंडा होता है और वो जो घोषणाएं करेंगी उन्हीं की होंगी, तो माने कि हाँ उतना ही विश्वास जैन साहब भी आप पर कर सकते हैं, वो तो आप पर शायद कर रहे होंगे, लेकिन आपने उनको इतना मौका दिया, इतना आप पर विश्वास करने का ऑप्शन है उनके पास। अतुल जी, जब इस गठबंधन से पहले मैं आपको बता दूं कि जब बाई इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का और एक विधानसभा का, तब बहन कुमारी मायावती जी और प्रोफेसर रामगोपाल और माननीय अखिलेश यादव जी की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो एक ही एजेंडा था कि जो फिरका प्रस्त ताकते हैं हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही हैं और लूटने का काम कर रही हैं, इनसे कैसे देश की जनता और प्रदेश की जनता को निजात दिलाई जाए। और उसी मंथन के बाद में बहन जी ने अखिलेश जी को और प्रोफेसर रामगोपाल जी को कहा था कि दलित समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। और आपने क्या पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो गढ़ था योगी का और मोदी का और बीजेपी का, मठ जहां से योगी जी आते हैं, उस लोकसभा में इनको धूल चटाने का काम इस इशारे पर, गठबंधन नहीं था उस समय, सिर्फ यह था कि इनको कैसे हराना है इन फिरकापरस्त ताकतों को। और उप मुख्यमंत्री के गढ़ में, मुख्यमंत्री के गढ़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना की सीट पर, तो ये जो मन मिले दो विचारधाराओं के, लोहिया जी की और बाबा साहब की, वो मन जो मिले हैं वो दिख क्यों नहीं रहा है घोषणा में? नहीं, ये आप अलग अलग करेंगे उनके, आप लोगों के कहने से सारी बातें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मन मिले गठबंधन है। और ये तो नहीं, ये जन जन, हम लोग कहने से नहीं, लेकिन आप अगर साथ में दिख जाते तो हम, ये साथ जन में जन की आवाज का गठबंधन है। और मैं आपको अतुल जी बता दूं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और हमारी जो घोषणाएं होंगी, समाजवादी पार्टी की जो घोषणाएं होंगी, वो इस देश के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में होंगी। और अखिलेश जी ने जो घोषणाएं की हैं, मैं फिर पुनः उनका स्वागत करूंगा, इसमें कोई गठबंधन में कहीं कहीं, आप दूसरी पार्टी थोड़े ना, आप साथ में हैं तो साथ में आप मिलकर करते तो ज्यादा स्वागत योग्य होता ना, आपके समर्थकों में संदेश जाता। नहीं, समर्थकों में संदेश है, हमारे यहाँ पर ये जो प्रचार, जो बीजेपी वाले 66 अरब रुपए प्रधानमंत्री ने प्रचारों पे खर्च कर दिए हैं, हमारे यहाँ ये ढकोसलेबाजी नहीं होती है, हम तो बूथ पे काम करते हैं, बहन जी का इशारा होगा हम सत्ता पलट देंगे, हमारे यहाँ ये ढकोसलेबाजी प्रचारों की नहीं होती है। बहन जी का इशारा होगा तो आप गठबंधन भी पलट देंगे? नहीं नहीं, देखिए अब आप जो है ऐसी कोई बातें करेंगे, कोर कल्पना क्या, आपको इतना नहीं पता है, अगर जो है तो मैं क्या बताऊं उसमें, कोर कल्पना क्या, इतिहास बताता है कि कब आप सत्ता में रहेंगे और जब आपका पूरा हो जाएगा आप गिरा देंगे। अतुल जी देखिए, फिर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझने के लिए आपको बाबा साहब के संविधान को पढ़ना पड़ेगा। तुल जी, नहीं, उसके लिए तो उनको हम लोगों की लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी नहीं है, हाल की विचारधारा से मैं बाबा अंबेडकर के विचारधारा से नहीं जोड़ता, मैं आपको पुनः बता रहा हूं, विचारधारा में जोड़ नहीं सकता। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक लाइन में जवाब दे दीजिए जी, क्या कुछ अलग तरीके की घोषणाएं करने वाली है मायावती, उस दिन का इंतजार करें हम? इस देश के दलितों के, अल्पसंख्यकों के, अपर कास्ट के, गरीबों के, शोषितों के, सर्व समाज के, एक ही शब्द में सब आ जाए, वंचितों के हक में जो बेहतर होगा वो बहन कुमारी मायावती जी और इस महागठबंधन और देश की जनता के जो हित में होगा वो निर्णय लेंगी, और आपको बहुत जल्द इसकी जानकारी। इसका मतलब जैन साहब की पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो जनता के हित में नहीं है? नहीं, जनता के हित में क्यों नहीं, साथ में क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं भाई, इससे क्या, अरे इससे क्या, यही तो सवाल, इसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
आज पूरे देश की जिम्मेदारी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मनवादी ताकतों से, फिरका परस्तों से आप लड़ रहे हैं और सारे लोग फिरका परस्त हैं। लेकिन शैलमणि त्रिपाठी ने एक सवाल आपसे किया था कि वो मुद्दे भी आएंगे ना, फिर ये पूछा जाएगा कि वहां से विचार कैसे बदले। बहरहाल अब तो गठबंधन बन गया है तो विचार बदल ही गए होंगे। जैन साहब, सवाल ये है कि महापरिवर्तन आप करने वाले हैं, इस महापरिवर्तन का किस पर असर पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी भी एक है और कांग्रेस भी एक है। देखिए अतुल जी, जो महापरिवर्तन है वो सत्ता के खिलाफ महापरिवर्तन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे साथी धर्मवीर जी ने पूरी की पूरी जो घोषणाएं हैं समाजवादी पार्टी की, उनका पूरा स्वागत किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन हमारा जो घोषणा पत्र है अतुल जी, मैं फिर उस चीज को दोहरा रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की नीतियों का सम्मान करते हुए तब जाकर के घोषणा पत्र आया है। और अतिरिक्त भी अगर कोई घोषणाएं जोड़ी जाती हैं तो उनका भी पूरा सम्मान किया जाए। दूसरी बात ये कि जो आप पूछ रहे हैं कि महापरिवर्तन किसके लिए, ये सत्ता के खिलाफ एक महापरिवर्तन की लहर चल रही है। और जो केंद्र में बैठी सरकार है उसने पिछले पांच साल तक न किसानों के लिए, न नौजवानों के लिए, न गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। और इसलिए जनता संतुष्ट है और ये जनता चाहती है कि महापरिवर्तन हो। और इसकी बात जैन साहब, जनता से पूछकर आपने गठबंधन किया है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। आपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, उनसे भी बिना पूछे आप दो नेताओं ने गठबंधन किया। मेरा सवाल ये है, आप बिल्कुल अच्छी बात है, महागठबंधन बनाइए, महापरिवर्तन लाइए। मेरा सवाल ये है कि अगर आप बीजेपी को भी कहते हैं कांग्रेस और कांग्रेस को भी कहते हैं बीजेपी, तो महापरिवर्तन का असर किस पर पड़ेगा? और अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो बीजेपी जैसी पार्टी कांग्रेस, उसके साथ आप सरकार बना लेंगे, तो फिर मतलब नहीं समझ में आया ना कि आप जनता का हित कितना देख रहे हैं और क्यों आप किसानों का मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं। अतुल जी देखिए जो सवाल अभी तक लगातार बना रहा है कि आप बहन जी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं, कहूं पर इस स्थिति सत्ता ये परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के बाद जो दल होंगे, दलों के देखिए राष्ट्र हित में जो काम होगा और जो जनता के हित में काम होगा उससे कौन पार्टी दरकिनारा करती है। लेकिन जो खोखले वादे और झूठे वादे और करेंगे झूठा छब राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में बैठे हुई सत्ता है। आप देखिए सीबीआई के गवर्नर का कब इस्तीफा दिए और सुप्रीम कोर्ट के जब कब बाहर आकर दिखे कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि संविधान खतरे में है और उसको बचाने के लिए आपने महागठबंधन किया है, इसका सीधा सा मतलब है। और कोई मतलब नहीं है, सब खतरे में है। अभी 500 अभिनेता भी आकर अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को हटा दो, वो भी खतरे में है। सबसे ज्यादा खतरा उनको देश में ही दिखाई देता है जहां से रोजी रोटी मिलती है। बहरहाल बहुत जल्दी से शैलमणि त्रिपाठी, कुल मिलाकर लड़ाई आपसे ही है, घोषणाएं अलग हो सकती हैं, नीतियां अलग हो सकती हैं, गठबंधन भी हो सकता है और कांग्रेस बीजेपी सब एक जैसे दिख भी सकते हैं, लेकिन लड़ बीजेपी से ही रहे हैं। और कोई जवाब नहीं है आपके उस सवाल का धर्मवीर चौधरी के पास कि असल में किन लोगों के साथ गठबंधन किया और वो क्या फिरका परस्त नहीं है, वो क्या मनुवादी नहीं है। वहां पर सारी बातें वो भुला चुके हैं, दिल खोल चुके हैं और घोषणाओं में भी साथ खड़े हैं। अतुल जी देखिए, ये कहते हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। इनका कहना अगर मान लिया जाए कि अगर मोदी जी ने काम नहीं किया तो आप इतना क्यों डरे हुए साहब? मोदी जी ने काम नहीं किया और आप डर के मारे एक दूसरे के हाथ पांव जोड़ के गठबंधन कर रहे हैं। डर तो आपको लग रहा है भाई साहब, डर तो आपको लग रहा है। आप मुझे दो वादे किए हुए पूरे बता दीजिए, घोषणा पत्र के दो वादे किए हुए बता दीजिए, जो बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री ने पूरे किए हो। एक मिनट बोलिए, उम्मीद नहीं सर, मुझे पता है नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ा था, मुझे पता है। बहरहाल उनको चलो जी, इनकी कबाड़ देखिए, इनकी कबाड़ देखिए। 2014 में समाजवादी पार्टी का नाम हो गया था इनोवा पार्टी और बसपा का नाम हो गया था अंडा पार्टी, क्योंकि तो बसपा की 0 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें आई थी कि पूरा परिवार बैठ के जाता था। ये बात करते हैं कि जो है हमने कोई काम नहीं किया, आप क्यों घबरा के इतना गठबंधन कर रहे हैं? दूसरी बात, ये कांग्रेस को कोस रहे हैं
तो भैया अगर कांग्रेस बनवादी है तो आप अमेठी में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप रायबरेली में अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? तो ये तो सब मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा और आप जो 42 पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं वो क्या है? आप मुक्ति महबूबा की गोद में जाके घर बैठ जा रहे हैं, जो देशद्रोही बयान लगातार दे रही है, क्या है? पता है कि साउथ कार जब इस बार होगा बैठने वाले देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। धारा 3 का सत्ता हटाने का वादा करके आप देश की जनता को बेवकूफ बना करके सत्ता में आए थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और रामलला को टेंट में और टाट में रखेंगे और बीजेपी के मुख्यालय 20 करोड़ से बनेंगे। ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी ने अपनी जान पर खेल कर बचाया था, ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी ने अपनी जान पर खेल कर मायावती जी को सफाइयों से बचाया था, आगे भी बचाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। उनको उनसे राखी बंधवाई है, उनको बहन मानते हैं, इस तरह बेचैन मत होइए। आप लोग घबराए हुए हैं, आपकी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि देश की 2 करोड़ लोग रोजगार देने का वादा करके आप मुझे ये बताइए कि एक वादा पूरा किया है देश में? एक मिनट, कौन सा वादा पूरा किया नहीं किया वो अब बहुत जल्द नतीजा आ जाएगा। किसानों का बीमा घोटाला मेरा सवाल है। एक मिनट बैठने वालों, आपने एयरपोर्ट के एयरपोर्ट भेज दिए, रेलवे को बेचने का काम कर रहे हैं। हम अपनी मूर्ति तो नहीं लगाई ना उसको? 6000 करोड़ रुपए अपनी मूर्ति बीजेपी के लोगों ने मूर्ति नहीं लगाई है, उम्मीदें अलग है, उम्मीदें अलग है। शलभ जी, शलभ जी, प्रधानमंत्री धर्मवीर चौधरी एक मिनट, शलमणि त्रिपाठी साहब नहीं, गेस्ट हाउस कांड ये भूल चुके हैं सर, क्यों आप बार बार याद दिला रहे हैं? बहन जी ने बड़ा दिल दिखाया, सब भूल गई हैं। अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी की उनको जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव आ रहे हैं की यात्रा करने वाले। रफत फातिमा, एक मिनट, कोई टैक्स के पैसे से को प्रधानमंत्री यात्रा करने जाते हैं? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, अगर आपके नेतृत्व वाले भी बनेंगे तो वो भी टैक्स के पैसे से जाएंगे, अपने घर के पैसे से जाएंगे। किसान धर्मवीर चौधरी एक मिनट ऐसे नहीं चलता, प्लीज। लोगों को शर्म नहीं आती? अरे शर्म आपको भी आनी चाहिए, शर्म आपको भी आनी चाहिए। ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री यात्रा करने जाते हैं, आपके नेतृत्व में अगर मान लीजिए माया जी बन जाएंगे, आप युद्ध कर मायावती बन जाएंगी प्रधानमंत्री। एक मिनट, प्रधानमंत्री ये तरीका देखिए, अगर प्रधानमंत्री मायावती बन जाएंगी तो अपने घर के पैसे से नहीं जाएंगी, टैक्स के पैसे से ही जाएंगी, तो बोलने से पहले सोचा करिए। शलभ जी मैं रोक रहा हूँ। रफत फातिमा, सवाल ये है, आप कुछ बोलने से बच रही हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? और बीएसपी के प्रवक्ता आपको कहें कि आप भी मनवा दी हैं, आप फिर भी बोलने से बच रही हैं। अमेठी रायबरेली में आपको सम्मान देने के नाम पर सीट दे दें और फिर कहें कि आप भ्रम फैला रही हैं, आप फिर भी बोलने से बच रही हैं, क्या मजबूरी क्या है? और अगर महापरिवर्तन मान लीजिए अखिलेश की घोषणा पत्र और इसको सहमति दे दे माया, तो उस महापरिवर्तन से असर क्या सिर्फ बीजेपी पर पड़ेगा? क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं आपको भी और उनको भी। देखिए अतुल जी, मजबूरी किसी की कुछ नहीं है ना, हम इस टिप्पणियों पे ध्यान इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए टिप्पणी करी जाती है। जब आप कौन मुद्दे उठाते हैं, फजूल मुद्दे चर्चा कोई कर रहा है अगर इन चीजों को लेके, नहीं जैसे कि बहुत सा, अगर कोई भी अगर इन चीजों पर मुद्दे उठा रहा है या इस तरीके का कोई बयान दे रहा है, तो अगर हम इस पर चर्चा करने लगेंगे तो हमारे मूल मुद्दे दब रहे हैं। तो अगर हम इस पर लगातार चर्चा ही करते रहेंगे तो हम मूल मुद्दों पर कब आएंगे? जनता हमारे मुद्दों को सुनना चाह रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम जनता को यहाँ संबोधित करने आए आपके सम्मानित चैनल से, तो हम उसको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस किस एजेंडे पे और काम जनता, कर रही है। जनता को, जनता को अगर ये बताया जाए समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से कि आप भी मनवादी हैं और आपने भी वही काम करना है जो बीजेपी ने कर दिया है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं सभी। देखिए जनता के, जनता को तो आपके भड़का रहे हैं ना ये। अतुल जी, मनुवादी सोच किसकी है ये सबको पता है। कांग्रेस मनुवादी सोच कभी नहीं रखती है, वो सबको लेके चलती है, सबको नीचे से लेके बॉटम से लेके और टॉप से लेके बॉटम तक सबको मानती है, चाहे वो किसी वर्ग का हो किसी जाति का हो। तो इसको जनता भी समझ रही है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ रही। आज तक कांग्रेस ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करी, ना एक वर्ग को ऊंच नीच वाली को राजनीति करी है।
तो इसलिए हम इस मुद्दे को भटकना नहीं चाह रहे, बस और कोई बात नहीं। चलिए, आप भटकना नहीं चाहती है, आप केरल में जाती है, वायनाड में जाती है, लेफ्ट से आप वहाँ पर लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भटकना नहीं चाहते हैं। जनता के बीच यहाँ उत्तर प्रदेश में आप भटकना नहीं चाहते हैं, भले आपको कोई मनवादी बताता रहा है, आप मुद्दों की राजनीति करेंगे, अच्छी बात है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है। माहेश्वरी साहब, सवाल इस बात का है, आपने कहा कि गठबंधन के दिन बहुत ज्यादा नहीं, हो सकता है दिन बहुत ज्यादा हो, परिणाम भी ये दे दें, लेकिन जो घोषणा पत्र का अंदाज था और जो यहाँ पर गठबंधन के साथी बैठकर हमारे मंच पर एक दूसरे के शुक्रगुजार हो रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? क्या इन लोगों की नीतियां एक नहीं है, सिर्फ कहने को गठबंधन बना लिया है? क्योंकि नीतियां अगर एक होती तो स्टैंड भी एक होता, एक ही जगह से ऐलान होता कि हाँ हम दोनों ये चाहते हैं और इस वजह से सत्ता में हमें आना चाहिए, जनता हमें चुने। अतुल जी, ग्राउंड लेवल पे मैं नहीं समझ पा रहा हूं अभी तक कि इनका वोट ट्रांसफर हो रहा है। ये एक दूसरे को, सपा बसपा एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कराने की बहुत स्थिति में मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैंने जो भी अभी आकलन किया है, देखा है, समझा है, उसमें बहुत स्पष्ट नहीं है कि इनका वोट जिस तरह से ये गठबंधन को लेके बहुत आसान्वित है, ग्राउंड लेवल पे इनका वोट ट्रांसफर होगा ये बहुत जरूरी नहीं है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। दोनों दलों के वोट ट्रांसफर होना बहुत कठिन कार्य है, जिस पर ग्राउंड लेवल पे भी काम हो नहीं रहा। इनके दल के लोग वहां पर नीचे कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा। तो ये ऊपर का गठबंधन है, गठबंधन का परिणाम जो ये समझ रहे हैं वो आएगा नहीं आएगा अभी बहुत कुछ देखना होगा। चलिए, ऊपर का गठबंधन है, इसका मतलब अगर मैं अपने दर्शकों को समझा दूं तो ये बहुत आम भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो नेताओं का गठबंधन हो सकता है, लेकिन क्या छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बीच में वो गठबंधन हो पाया, इस बात का जिक्र माहेश्वरी साहब अपने आकलन अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी, मेरा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र से महापरिवर्तन चाहती है, बीएसपी क्या चाहती है? अतुल जी, अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे कि ये दो नेताओं का गठबंधन है और आपका भी यही कहना है, आप लोग नहीं, मैंने उस कैसे शब्द को समझाया, मेरा कहना कैसे नहीं। आप लोग जो है विश्लेषण करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपके चैनल पे करते हैं, जैसे जिम्मेदारी पत्र अलग से आता है, जिम्मेदारी के साथ मैं ये बता रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ। महेश्वरी जी को पहले तो ये समझना चाहिए कि जो कुशासन के खिलाफ तीन लोकसभा के चुनाव हुआ और एक विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या उसके परिणाम गठबंधन के फेवर में थे या नहीं थे, ये देश ने देखा या नहीं देखा? कौन से गठबंधन? अरे जो कौन जो, गठबंधन जो, जो बहन कुमारी मायावती ने अखिलेश यादव जी को समर्थन दिया था, अच्छा, जो लोकसभा के बाई इलेक्शन थे, उपचुनाव को अभी भी आप याद करके बैठे हैं, आप क्यों नहीं बैठेंगे, आप निकल जाएंगे, वही समाजवादी पार्टी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, उनका कहना है हम महापरिवर्तन चाहते हैं, बीएसपी क्या चाहती है, मैंने सीधा पूछा, उसके बाद में जैन साहब, मैं आपको बता दूं अतुल जी कि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की है। हम बाबा साहब ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, माननीय साहब ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, बहन कुमारी मायावती जी इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हैं। हमको सत्ता भी चाहिए और हम व्यवस्था की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी तो आप कहते हैं आपको सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता क्यों नहीं चाहिए? बहन कुमारी मायावती ना, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, अरे सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर लीजिए कि घोषणा पत्र एक साथ आना चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता भी चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन भी चाहिए, और बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बना है। जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट, विकास की बात कर रहे हैं बाकी सारे दल या कहें मुख्य दल, आप महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं, शिवपाल चाचा कह रहे हैं कि मैं नई दिशा दूंगा, यूपी क्या चाहता है और बहन जी क्या चाहती है, पता चल गया स्पष्ट कि नहीं पता चला है अभी? देखिए अतुल जी, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उधर समाजवादी पार्टी और हमारे साथ में चौधरी जी बैठे हुए हैं, आप देखिए आदरणीय महेश्वरी जी ने अपने सब उनके में डालने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग साथ हैं, तो नेता नहीं मिले, दो दल मिले, दो दिल मिले, तो ये कहना कि नहीं सिर्फ दो नेता मिले और अलग अलग घोषणा पत्र है,
उनके जब साथ में एक साथ आप ही कह रहे हैं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम साथ में आ रहे हैं, एक साथ जो है विज्ञप्ति जारी हुई कि हमारे ये इतने ये प्रत्याशी इन सीटों पे और ये प्रत्याशी हमारी सीटों पे, तो हमारा मुख्य चीज है कि हम नीतियों के लिए लड़ रहे हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी की नियति और नीति दोनों एकदम अलग है हमसे और हमारी नीति और नियति वो अलग है, तो हम जो सत्ता परिवर्तन और जो व्यवस्था परिवर्तन है वो किस लिए, वो जनता के लिए, जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता चाहती है। और जो सवाल कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और त्रिपाठी जी और ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं तो इनसे तो खैर पेट पाला मुश्किल है, ये जो बात बार बार दोहरा रहे थे कि नहीं आप और गेस्ट हाउस काम और कैसे आ गए आप डरे हुए हैं, मोदी जी ने काम किया, अरे मोदी जी ने काम किया तो किसान जंतर मंतर पे अपनी पेशाब पीने के लिए क्यों मजबूर है, किसान अपना गन्ना खेतों में चलाने के लिए क्यों मजबूर है, आप जब नौजवान सड़कों में उतरता है नौकरी मांगता है उसका सिर क्यों फोड़ते हैं, क्यों ये पकौड़े करवाएंगे देश से, ये डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं बनाएंगे, ये चौकीदार बनाएंगे और चौकीदार के देश में डाकू बन के आ जाएंगे देश में। और उत्तर प्रदेश में ठीक है जैन साहब रोक रहा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, जो जो आप कह रहे हैं सब जनता सुन रही है, जनता ही तय करेगी, समय नहीं है, रोक रहा हूं आपको। शलभ मणि जी सवाल इस बात का है कि बनुवादी कांग्रेस भी है, नीतियां उनकी भी खराब है लेकिन उनसे लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे आप ही से, और अब शिवपाल जी आ गए मार्केट में, उनका भी कहना है, घोषणा पत्र उन्होंने भी दे दिया है, उनका ये कहना है कि मैं दिशा बदल दूंगा, देश की दिशा बदल दूंगा, तो दिशा बदलने के लिए शिवपाल है, महापरिवर्तन के लिए अखिलेश है और विकास करने के लिए आप लोग हैं शायद। अतुल जी, अब से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एक नारा धर्मवीर चौधरी जी और इनकी जो सुप्रीमो बहन मायावती थी वो देती थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर मारो हाथी पर, अब उत्तर प्रदेश में नया नारा चल रहा है कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर गोली मारेंगे छाती पर। बहन मायावती जी जब मुलायम सिंह यादव जी के लिए भाषण पुरानी हो गई, इंतजार कर रहे हैं पुरानी बोल रहे हैं आप कर रहे हैं कि जब मुलायम सिंह के भाषण जाएंगी बहन जी तो मुलायम सिंह जी के लिए क्या बोलेंगी, क्या ये बताएंगी गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ था, किस तरह सपा के लोगों ने ये उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है, देश की जनता देखना चाहती है और निश्चित तौर पर इस गठबंधन भाजपा का ये सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की आलोचना और गठबंधन में सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है गठबंधन की ही बात करेंगे ना सर, गठबंधन की है तो गठबंधन की ही बात करेंगे ना, और गठबंधन के अंदर के जो सवाल है उसी पर चर्चा होगी ना, अगर आप एक होते तो बिहारी जनता की आप एक है, आऊंगा चौबीस साहब मैं आपके पास, रफत फातिमा, रफत फातिमा एक मिनट, रफत फातिमा सवाल ये है कि आप मुद्दों पर रहना चाहती हैं, कुछ को लोग हैं जो नई दिशा देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं महापरिवर्तन चाहते हैं और धर्मवीर चौधरी क्या चाहते हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है, और उसी बीच में आपकी भी बात है कि आप अगर मुद्दों के साथ हैं तो क्या चाहती हैं, क्योंकि आपको भी उतना ही कोसा जा रहा जितना बीजेपी को गठबंधन के जरिए। देखिए जिस तरीके से आज हालात है, अगर आप हम सिर्फ अगर बात करें हाशिए पर खड़े लोगों की, 80% लोग आज परेशान हैं, तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि हम इस चीजों को जो है नहीं लाना चाहिए जमीन पर, तो हम आज जो है जनता के बीच जा रहे, जैसे प्रियंका जी लगातार रोड शो कर रही हैं और जो भी वर्ग हैं, जो भी ऐसे हाशिए पर खड़े लोग हैं या जिन लोगों के बेरोजगार युवक स्टूडेंट सबसे मिल रही हैं, तो आज जरूरत इसकी है कि हम जनता के बीच जाएं चाहे कोई भी दल हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है विकास का वो लगातार चलने वाला है, अगर कोई भी पार्टी आती है तो उसको इस पर काम करना चाहिए, तो आज हमारा यही एजेंडा है कि हम लोगों के बीच में जाएं काम करें तभी उससे वादा भी करें, तो आज इन वादों पे जब लोग मुकरते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पिछले वादे हुए थे आज उस पर मुकरा गया है और जमीनी हकीकत उसके विपरीत नजर आ रही, तो कांग्रेस पूरी तरीके से कोशिश में है कि वो जनता के बीच सही वादे और सही जुमलेबाजी ना करे, सही चीजों को लेके जाए और उनसे जो है लेकिन, लेकिन रफत फातिमा ध्यान रखना पड़ेगा ना कांग्रेस को, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस मुद्दे पर रहना चाहते हैं, गठबंधन कह रहा है कि आप बीजेपी के जैसे ही हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे या गुमराह करेंगे, तो मैसेज गलत ना चला जाए ना, इसलिए थोड़ा उनके बारे में भी सवाल उठेंगे तो जवाब देना हमारे क्या बड़े बड़े पदों पे जो लोग हैं माइनॉरिटीज में भी हैं ओबीसी में भी हैं, यही उनकी जवाब है कि मेरे क्या बड़े बड़े पोस्ट पे सीएम से लेके पीएम तक सब वर्गों से आए, तो हम इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं। माहेश्वरी साहब जल्दी से
एक अनुभव जो आपका है और जो आकलन कर रहे हैं अच्छा है कि कम से कम अभी तक आपको बख्शा गया है, ये नहीं बताया गया कि आप भी बीजेपी से हैं या बीजेपी के पैरोल पर हैं, आप बीजेपी जैसी बात करने लगे हैं, लेकिन जो कुछ भी है अभी फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें घोषणाओं में मेल भी दिख रहा है, भले साथ नहीं दिख रहे हैं, महापरिवर्तन भी हो रहा है, नई दिशा देने वाले लोग भी अब घोषणा पत्र लेकर आ गए हैं, और बीजेपी ने तो विकास कर ही दिया है, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है, और कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास सिर्फ मुद्दा है बाकी कुछ नहीं, उस मुद्दे के आधार पर हम लड़ेंगे, तो यूपी चाहता क्या है या यूपी को मिल क्या रहा है इन पार्टियों से? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, और वो बहुत सही निर्णय करेगी। अतुल जी, आने वाला समय ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सही निर्णय किया है। अभी ये भविष्यवाणी करना अतिशयोक्ति होगा, अभी यही कहना उचित होगा कि उत्तर प्रदेश की समझदार जनता एक समझदारी बड़ा निर्णय लेगी। ठीक है, समझदारी बड़ा निर्णय जनता लेगी, लेकिन जो नेताओं ने निर्णय लिया है उसका क्या नतीजा निकलेगा, इस पर भी तो सवाल है। नवीर चौधरी, फाइनल कमेंट छोटा सा, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बीएसपी का घोषणा पत्र कब आएगा? देखिए, जो बाबा साहब का संविधान है, अब फिर बाबा साहब के संविधान पर आप चलेंगे, घोषणा पत्र कब आएगा इतना ही पूछा मैंने। हमारी पार्टी बाबा साहब के संविधान को फॉलो करती है अतुल जी। बाबा साहब तो माफिया बताने वाले आजम खान, और मैं आपको बता दूं कि जो आपको जिन्होंने भूमाफिया बताया आजम खान, सुनिए, देश तोड़ने वालों को जब अटल जी, जब आडवाणी जी देश में रथ यात्रा लेकर देश तोड़ने निकले थे, तो माननीय काशीराम जी ने उनको लालू जी से अरेस्ट करवाया था बिहार में। आप प्रवचन ना दें यहाँ पर, और एक वोट से बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी। अगर अगर बीजेपी वाले इतने ही अच्छे हैं तो ये 24-24, 42-42 लोगों के गठबंधन में जा रहे हैं, एक एक सीट के नाले बीजेपी के लोगों को पड़ रहे हैं। आप जो है जनता से किए गए वादों से मुकर के इतिहास मत पढ़ाइए, इतिहास में अगर जाएंगे तो बीजेपी के साथ आप भी सत्ता का सुख भोग चुके हैं, वो छोड़िए ना। मेरा सवाल इतना है कि घोषणा पत्र कब आएगा? अभी छपा नहीं है या अभी बिंदु तैयार हो रहे हैं, या समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र ही महापरिवर्तन वाला आपका है, ये आप दावा करके जा रहे हैं? मैं वादा आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ कि बहन जी की नीतियाँ, बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ जनहित में बहन जी ने इतने काम किए हैं, और बहन जी आने वाले समय में बहुत जल्द आपको जो नीतियां हैं कुछ, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसी का जवाब दीजिए। क्यों नहीं नीतियां हैं, ये कहां है आपका घोषणा पत्र, साथ में क्यों नहीं आया? आने वाले एक बहुत जो महापरिवर्तन की बात की है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता महापरिवर्तन के लिए तत्पर है, तैयार है, और ये व्यवस्था और सत्ता की लड़ाई हम लोग जीतेंगे। इस 19 में ये मौका प्रस्त ताकतें, पूंजीपति ताकतें, सामंतवादी ताकतों को हराने का काम करेंगे। घोषणा पत्र कब आएगा? बहुत जल्द आएगा। चलिए, कमिंग सून करके चला देते हैं कि बहुत जल्द आएगा। बहुत शुक्रिया शलमरी आपका, राजेश माहेश्वरी आपका, रफत फातिमा आपका, केसी जैन आपका, और चौधरी साहब आपका। तो घोषणा पत्र और नीतियां दोनों अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन दोनों दल एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं कि गठबंधन हुआ, सीटों का बंटवारा भी हो गया, और अब उनका घोषणा पत्र आ गया, इनका आने वाला है, कमिंग सून के दौर में है, और दोनों ही लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस को भी उतना ही कोस रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि दरअसल वो किसकी नीतियों, किसकी घोषणाओं पर जाएगी और किसके लिए खड़ी होगी वोट देने, जो कि संविधान बचाएगा। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर धानुका का सैंपरा, गांठों से खत्म करें मोठा, मेहनत कम मुनाफा मोटा।